हेलो फ्रेंड्स, मैं अभितेश फ्रॉम वर्क एंड टैक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई लावा का X1 मिनी हो, X1 मिनी, और उसमें हैंग ऑन लोगों प्रॉब्लम हो जाए तो उसको आप कैसे फ्लैश करेंगे। तो सबसे पहले आपको उसका फ्लैश फाइल यहाँ पे देखिए डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि विनरार जिप आर्चीव में रहेगा। हमको क्या करना होगा, अब इस फाइल को हमें यूज़ करना है तो इसको राइट क्लिक करके पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट हर करेंगे। ये देखिए, हम इसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फाइल इसमें आएगी उसमें आपको टूल्स मिलेगा, इसका ड्राइवर मिलेगा और उसका तरीका मिलेगा जो कि आपको इसको फ्लैश करने का दिखाएगा। तो मैं आपको अपने तरीके से यहाँ बताऊंगा। आप मेरे चैनल अल्पेश फार्मा एंड टैक्स सॉल्यूशन को देखते रहिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो रहा है फाइल। ये फाइल एक्सट्रैक्ट होगा यहीं पर डिवाइस का, मतलब डेस्कटॉप पर आपको दिख जाएगा। तो आप देखते रहिए। इस तरह से आपका देखिए, यहाँ पर आपका जब ये 100% हो जाएगा प्रोसेस में, तो आपका यहाँ पर डिवाइस, यहाँ पे टूल्स आपको शो करेगा। यहाँ पे जो टूल्स उसमें आपको मिलेगा तो पूरे फोल्डर के साथ आपको मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका फाइल यहाँ पे आ गया। मैं इसको यहाँ पे आपको कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए, इसमें आपको सब कुछ दिखाएगा, इसमें क्या क्या मिला आपको। देखिए, इसमें फर्मवेयर मिला हुआ है, इसका टूल्स मिला हुआ है, ड्राइवर मिला हुआ है, राइट एम आई का ऑप्शन मिला हुआ है। बाकी इसमें आपको तरीका भी दिया हुआ था हाउ टू फ्लैश पैड। ये जो लावा X1 मिनी वो पैड फाइल है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ। तो आप इसको क्या करना है, अब आपको ये SPD टूल्स को ऑन करना है। हम इसको इस तरह से ऑन करेंगे। यहाँ देखिए, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस पर हमको राइट क्लिक करना है। एज ए राइट क्लिक रन एडमिनिस्ट्रेटर हमें चलाना है। और ये देखिए, हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद अब हमें देखिए इस तरह से यहाँ पूरा ऑन हो जाएगा। हम इसको यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, आपको अच्छे से दिखना चाहिए। अब हमें ये इस तरह से उसका होम पेज खुल जाएगा टूल्स का। अब हमें क्या करना है, ये जो सेटिंग दिख रही है गोल वाली, यहाँ देखिए लॉक पैकेट लिखा है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और ये आपको ले जाएगा फाइल की तरफ, जहाँ पर आपका फाइल है। तो ये आपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। डेस्कटॉप आपको मैं चलिए दिखाता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट किया था, तो डेस्कटॉप पे ही देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है आपका डेस्कटॉप। मैंने इसको डेस्कटॉप पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे, लावा आयरिस के फोल्डर पे जाएंगे, फिर वहाँ से फर्मवेयर पे जाएंगे। उसके बाद ये लावा आयरिस का फाइल ले लेंगे। और ये देखिए, अब फाइल यहाँ पर ये लोड हो रही है। तो इस तरह से ये फाइल यहाँ पे लोड होगी। बहुत ही आसान है ये SPD टूल्स, इसको बोलते हैं अपग्रेड डाउनलोड। SPD फाइल है ये, क्योंकि जो SPD है उसको हम लोग CPU कहते हैं कि SPD CPU पर ये वर्क कर रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पे देखिए, अब आपका ये लावा आई X1 मिनी का आ गया। अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद USB पोर्ट, जो आपने USB होगा उसको फ़ोन में इंसर्ट कर लीजिए। बैटरी को निकाल लीजिए, रिमूव कर लीजिए। उसके बाद वॉल्यूम डाउन की को दबाइए। कुछ कुछ सेटों में जो होता है बूट की होता है उसको बोलते हैं, तो ये वॉल्यूम डाउन की बूट की है। और उसके बाद बैटरी को इंसर्ट करिए। जैसे ही बैटरी को आप इंसर्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन आने लगेगा। कभी कभी नहीं आता है, देर में भी आता है, क्योंकि USB आपका हो सकता है गड़बड़ हो, इसलिए ऐसा होता है। तो आप मेरे चैनल अल्पेश फार्मा को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। देखिए, यहाँ पर आना होगा तो भी आएगा थोड़ी देर में। ये देखिए, कनेक्ट हो गया है। इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर और सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। अब यहाँ पे लेना होगा तो ये पूरा यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा। तो आप देखते रहिए। कनेक्ट होने के बाद इस तरह से आपका यहाँ दिखा रहा है पूरा का पूरा रिकवरी यार्ड पोर्ट भी दिखा रहा है। पोर्ट 8 कनेक्ट हुआ, फिर सिस्टम है, फिर डाउनलोडिंग है, फिर टाइम भी दिखा रहा है। तो जब आपका ये कनेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से आपका शो करेगा पूरा। आपको करना क्या है, USB को कनेक्ट कराना है। उसके बाद वॉल्यूम डाउन की या वॉल्यूम अप की, जो भी बूट की होगा उसको ऑप्शन आप देख लीजिएगा आपके जो सेट में होगा। तो इसमें क्या है कि वॉल्यूम अप की और बैटरी को मैंने इंसर्ट किया है USB लगाने के बाद। और इसके बाद देखिए, ये फ्लैशिंग यहाँ पे दिखा रहा है।
इस तरह से आपका लावा एक्स वन मिनी आई जो है वो आपका फ्लैश हो जाएगा, और फ्लैश होने के बाद यहाँ पर आपको पास दिखाएगा, प्रोग्रेस जहाँ दिखा रहा है वहाँ पे आपको पास भी दिखाएगा, और बीच में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपका हो रहा है उसको होने दीजिएगा। इसमें प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है दोस्तों। इस तरह से आपका जो है लावा एक्स वन मिनी जो है वो फ्लैश हो जाएगा। इसमें थोड़ा प्रोसेस है, लगता रहेगा तो समय लगेगा, मैं वीडियो थोड़ा पॉज कर देता हूँ। देखिए आपका प्रोग्रेस हो रहा है, यहाँ पर आपका 100% जब हो जाएगा यहाँ टाइम आपको दिखाएगा और यहाँ पे आपको पास दिखाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका फ़ोन पास हो जाएगा सिस्टम और आपका फ्लैशिंग हो जाएगा। तो लावा आयरिस एक्स वन मिनी कोई भी सेट हो जो कि एसपीडी टूल्स मतलब सीपीयू से बेस हो और वो आपका अपग्रेड डाउनलोड से होगा, तो आप इस तरह से जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरह से आसान तरीके से आप अपने सिस्टम को फ्लैश कर सकते हैं। अगर हैंग ऑन लोगो हो जाए या को हैंग करता हो मोबाइल, कोई भी फाइल ढंग से फ्लैश चढ़ नहीं रही है या हो नहीं रही है, तो आप इस टूल्स एसपीडी टूल्स के थ्रू जो है अपग्रेड डाउनलोड वर्जन R2.9.9.2.9.0.15 है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका अपग्रेड मॉडल भी आ गया है और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और वो कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, बहुत सारी साइट है, आप देखिए सर्च करिए। और मैं सही बताऊँ तो आप जो फाइल डाउनलोड करेंगे उसी फाइल में ये टूल्स रहता है, और इस टूल्स को यूज करिए, और इस टूल्स को यूज़ करने के साथ साथ आपको फ़ोन का ड्राइवर जानना ज़रूरी है। इसमें सारे ड्राइवर्स आपके इंस्टॉल होने चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे इसको अपग्रेड करेंगे, कैसे टूल्स का जो है ड्राइवर डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको रन कराएंगे। तो देखिए मेरे चैनल अवितेश वर्मा का एंटायर सॉल्यूशन को देखिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह से यूट्यूब पे शेयर करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, देखिए ये प्रोसेस में लगा हुआ है, ये लास्ट है। मेरे चैनल को देखने के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपको। ये देखिए यूज़र डाटा अब है, यहाँ डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जो होगा पूरा का पूरा यहाँ दिखाएगा। यहाँ डाउनलोडिंग हो रहा है, स्टेटस ये दिखा रहा है, ये प्रोग्रेस दिखा रहा है और कितना समय लगा ये दिखा रहा है। तो देखिए पूरा का पूरा यहाँ दिखा रहा है, इन प्रोग्रेस, इरेजिंग फ्लैश, इरेज एसडी कार्ड, आपको सब दिखा रहा है। इन प्रोग्रेस जो आपका मेमोरी कार्ड है वो इरेज हो रहा है, इरेज होकर उस पर फ्लैश चढ़ रहा है। देखिए यू बूट लोडर, मेमोरी कार्ड हो गया, यू बूट लोडर, फिनिश, पास। ये देखिए आपका जो है सिस्टम पास हो गया है। अब आप अपने फ़ोन से यूएसबी पोर्ट निकाल कर और बैटरी निकाल कर और उसके बाद पावर की दबाइए और सेट ऑन कर लीजिए। आपका सेट ऑन हो गया है दोस्तों, इस तरह से आपका सेट ऑन हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल रितेश वर्मा का टेक सॉल्यूशन को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।